थमो। आपके साथ प्रैंक हुआ, आपके साथ प्रैंक हुआ। सो गाइस चलिए अब हम Redmi 10 Prime की अनबॉक्सिंग करते हैं और बताते हैं आपके इसके सबसे बेस्ट फीचर्स के बारे में। सो लेट्स कंटिन्यू। हे गाइस, क्या हुआ? आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि ये इतनी जल्दी कैसे उठ गई, ये तो देर तक घोड़े गधे बेच के सोती है। तो क्यों, क्या मैं नहीं जल्दी उठ सकती? केवल और ही सब लोग उठ सकते हैं। तो गाइस सीन ऐसा है कि कल रात मैंने सुबह जल्दी उठने के लिए से लगाया था ठेंगा। सीन ऐसा था कि रात भर कल हमने देखी है जम के सीरीज, और सीरीज देखने का मतलब तो आप जानते हैं, क्लाइमेक्स आया, जब तक लास्ट एपिसोड आया तब तक सुबह के बज के 7 हो गए। गुड मॉर्निंग डन डन। सो हमने भी स्टार्ट कर दिया गुड मॉर्निंग के साथ में। हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस देखिए ये सब सो रहे हैं, अचल बस्ती सोफे पे सो रहे हैं। ओरियो का भी ऐसा ही है कुछ। ये देखिए गाइस ये भी सो रहे हैं, और ये रहे हमारे देव बाबू, ये भी बुरी तरीके से गहरी निद्रा में अपनी बिलीन है, देख सकते हैं आप। फाइनली गाइस इनकी तो गुड मॉर्निंग हो गई है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसी हो? ठीक हूं, अब मुझको बाहर निकालो जल्दी से। ओके कम आउटसाइड, कम 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 कम, आ गई। चलो बाहर चलो। अरे उस लग जाएगी बेबी, हटो इधर आओ, हमको पता है तुम कहाँ जाओगी, बैठ जाओ यहीं पे, बैठो, गुड गर्ल। शाबजी चाय, शाबजी, शाबजी तो सुन ही नहीं रहे। शाबजी चाय, शाबजी चाय, शाबजी चाय लीजिए। हे गाइस, सो गाइस आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, और ये सरप्राइज अब आपके लिए, पहले मेरे लिए भी था। तो क्या था वो हम दिखाते हैं आपको। टन टन, माय न्यू फोन कोई मेरे लिए लेके आया है जो कि अचल अवस्थी। ओह अच्छा, तो पापा का नाम ले रहे हो? अच्छा, सो इसकी कहानी बड़ी ही दर्दनाक है, जाके आप फ्लैशबैक में देखिए। 1 2 3 go। हेलो गाइस, तो मैं अभी ऑफिस से आया हूँ, और मैंने एक बार के लिए छोटा सा सरप्राइज प्लान किया है, मगर उस सरप्राइज से पहले एक छोटा सा प्रैंक होगा, बाद में सरप्राइज करने आऊंगा। प्रैंक क्या करूँगा, फ़ोन के डिब्बे को मैं ओपन करके उसमें एक खाली फ़ोन का बॉक्स रख दूँगा और पारुल को दूँगा, और उसके बाद में पारुल का रिएक्शन देखूँगा कि क्या रिएक्शन होता है। तो चलिए गाइस, मैं पहले अपने फ़ोन को बैग, मेरे ऑफिस के बैग से निकालता हूँ, और फिर उसके बाद में उसको अनबॉक्स करता हूँ। पूरा प्रॉपर प्लानिंग के साथ में काम होगा। तो ये निकला फ़ोन, विच इज़ Redmi 10 Prime। अब मैं इसमें एक खाली बॉक्स ला के रखता हूँ, और फिर जाके वो पारुल के हैंड ओवर करूँगा। तो गाइस फाइनली मैं जो एक खाली बॉक्स हमारे पास में रखा हुआ है वो लेने जा रहा हूँ, और बड़ा ध्यान से कि पारुल देख ना पाए ये रखा हुआ है। ये देखिए मैं एक पुराना बॉक्स ले आया हूँ जिसमें मैं अपना आईफोन रख दूँगा, जिससे कि उसमें थोड़ा सा वेट पता चले। तो फ्रेंड्स आप देखिए मैंने इस पर टिपिंग वगैरह कर दी है। आई नो मेरे पास में ट्रांसपेरेंट नहीं था, तो मैंने इस तरीके से कर दिया, मगर चलिए देखते हैं क्या पारुल पकड़ पाएगी मुझे। तो ये बॉक्स मैं देव को देता हूँ, देव लेके जाएगा अपनी मम्मा के पास, एंड इस चीज़ में मैं और देवू दोनों पार्टनर हैं। तो देवू मम्मा से बोलना, मम्मा ये लो आपका गिफ्ट। चलो तुम्हारे लिए नया फोन। अच्छा इसी की प्लानिंग कितनी देर से चल रही है अंदर। ओपन करो। तुम लोगों ने क्यों नहीं किया? तुम्हारा गिफ्ट तुम अनबॉक्स करोगे। उसको बाद में देखना, पहले फोन देख लो।
ये फोन का कवर है, फोन अंदर निकलेगा। तो गाइस आपने देखा कि अचल ने मेरे साथ क्या किया और कैसे प्रैंक किया। मगर थमो थमो, आगे भी देखो कि फिर क्या हुआ। आपके साथ प्रैंक हुआ, आपके साथ प्रैंक हुआ। अच्छा लगा फोन? तो गाइस आपने देखा कि पागल का रिएक्शन क्या था, अब के साथ प्रैंक किया है ना। तो आप चलो इस प्रैंक को सच्चाई में बदलते हैं और पारुल को पारुल का नया फोन गिफ्ट करते हैं। चलो अब एक मिनट देव ये फोन लेके जाएगा और मम्मा को देगा। फिर से प्रैंक नहीं है ये। अब एक दिन में एक ही बार प्रैंक होता है, बार बार नहीं होता है। तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं है ना। देवू चुप रहो, मतलब पता नहीं चलना चाहिए मम्मा को। ये किसी और का डब्बा तो नहीं उठा लाए तुम लोग खाली? नहीं भाई, असली का डब्बा आपका ही है, असली में आपका ही डब्बा। और ये ओ गाइस ये क्या हो गया? क्या इसमें फोन निकलेगा? ओ, इसमें तो शायद कुछ निकला। अरे वाह, तो क्या कहना चाहती हैं आप? प्रैंक अच्छा लगा? प्रैंक तो अच्छा लगा, लेकिन ये तुमने फोन कब लिया? उस दिन तुम्हारा वीडियो डिलीट हो गया तो। पापा का बोला थैंक यू। यार ये रेडमी वाले इतने बढ़िया बढ़िया फोन निकालते हैं लेकिन हैंड्स फ्री नहीं देते हैं साथ में। हैंड्स फ्री अब कोई नहीं देता है। बहुत सुंदर लग रहा है यार, तुमने कब लिया? आपके OnePlus फोन से भी ज़्यादा बढ़िया है। पता है पीछे से तो ये बिल्कुल OnePlus का ही जो है लुक दे रहा है। सेक्सी लग रहा है। तो देखा आपने कि जब अचल ने मेरे साथ प्रैंक किया तो फिर अचल की कितनी मार पड़ी। खैर कोई बात नहीं, उसके बाद फिर गिफ्ट भी मिल ही गया मेरा और उसी गिफ्ट की अब हम करेंगे आपके साथ में अनबॉक्सिंग। तो चलिए हम अपने Redmi 10 Prime की अनबॉक्सिंग करेंगे। Redmi 10 Prime। सो गाइस चलिए अब हम Redmi 10 Prime की अनबॉक्सिंग करते हैं और बताते हैं आपके इसके सबसे बेस्ट फीचर्स के बारे में। सो लेट्स कंटिन्यू। ओपन करते हैं। ओके, ये इसे पहले ही मैंने ओपन कर लिया था, सुबह आपको दिखाया था और कल जब देखा तब भी, तो इसमें ये मैंने इसको पैंथम ब्लैक कलर में ये फ़ोन मंगवाया। सबसे अच्छा लगा है गाइस इसका मुझे कैमरे का डिज़ाइन। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल एकदम सेक्सी वाला लग रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइस ये इसकी की है इसमें निकली है, जिससे सिम वाला सेक्शन ओपन होगा और फिर इसके बाद इसमें नीचे ये इसकी वो केबल है और ये इसका अडॉप्टर निकला है। तो मुझे पता है रेडमी वालों की बस एक ही चीज़ बहुत बुरी लगती, इतने अच्छे अच्छे फ़ोन देते हैं लेकिन हेडफोन नहीं देते। बड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि पहले ही फोन सारे फ़ोन्स आते थे उनके पास हेडफोन आता था, अब इसके लिए अलग से हेडफोन भी मंगाना पड़ता है। कोई बात नहीं, तो ये इसके साथ में सामान निकला है और हाँ इसमें जो हम लोगों ने इसमें जो पीछे कवर है ये आया था। ठीक है, तो अब चलिए हम चलते हैं इसकी खूबियों में कि इसकी क्या क्या खूबियाँ हैं। तो चलिए मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं, मैं इसमें से आपको पढ़ पढ़ के सारी चीज़ें बता रही क्योंकि मुझे भी अभी इतना इसमें नहीं पता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी जो 90Hz फुल HD प्लस एडेप्टाइव साइन डॉट डिस्प्ले कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास। तो एक तो इसकी ये 50MP का जो है मेगापिक्सल का इसका कैमरा है। सबसे अच्छी बात की 50 MP का कैमरा है जिसमें अल्ट्रा वाइड माइक्रो एंड डेप्थ लेंसेज सभी चीजें हैं। उसके बाद मेन चीज 6000 mAh की इसकी बैटरी है जो कि 18W फास्ट चार्जिंग है। ये सबसे अच्छी इसकी खूबी क्योंकि फोन चार्जिंग करो कहीं वीडियो के लिए जाओ, पता लगा रास्ते में फोन जो है स्विच ऑफ हो गया थोड़ी देर बाद, तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। तो पहले वाले का जो मेरा था वो 5000 की थी, ये 6000 तो 1000। सो गाइस इसका 8 MP का सेल्फी कैमरा है, ये अच्छी चीज़ है। इसमें रियर कैमरा लेंसेज हैं, मतलब कैमरा लेंस है वो अच्छा है। ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स, तो मतलब इसके ये देखिए ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स तो सुनाई देना
और बोलना सारी चीज़ें अच्छी होंगी, ये सबसे अच्छी चीज़ है। उसके बाद सपोर्ट 9 वाट रिवर्स वायर्ड चार्जिंग, इसमें 9 वाट की रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलेगा। ओके, पहले साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, ये देखिए गाइस, जैसे हमेशा हम लोगों का पीछे होता है या इधर, इसमें ये यहाँ पर है, यहाँ पे ये यहाँ से फिंगर टच है, इसको फिंगर टच करेंगे यहाँ से सेंसर है इसका। और उसके बाद जो है IR रिमोट कंट्रोल। और इसकी सबसे जो अच्छी बात है वो है 128 GB की स्टोरेज, कि मतलब अच्छी खासी वीडियोस और फोटोज आप इसमें स्टोर कर रख सकते हैं, जो कि मेरे पहले वाले फ़ोन में नहीं थी, उसमें रेडमी में वाले में जो जिससे हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें मात्र 64 GB की इंटरनल स्टोरेज थी। तो बहुत जल्दी मैं मेमोरी फुल, हमने आपको बताया था पिछला मेरा वीडियो डिलीट हो गया था इसी वजह से, क्योंकि उसकी इंटरनल स्टोरेज फुल हो गई और हमको वो बार बार जो है फ़ोन में से वीडियोज़ डिलीट करनी है, कहीं कि हम कोई फ़ोटो डिलीट कर रहे थे और वो करते करते पता नहीं कैसे से मेरा पूरा वीडियो डिलीट हो गया, उसके साथ साथ में सारे जो छोटे वीडियोज़ थे वो भी डिलीट हो गए। तो इसका जो 128 GB का जो लंबा स्टोरेज है, ये मुझे यहाँ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल लगा। तो ये इसकी सबसे बड़ी खूबी हमें जो सबसे ज़्यादा पसंद आई, तो ये थी इसकी खूबी रेडमी 10 प्राइम। और सबसे बड़ी बात, बजट फ्रेंडली भी है, अफोर्डेबल भी है, ये मुझे 15,000 का पड़ा है, तो ये भी है। तो ये है मेरे इस न्यू फ़ोन की खूबियाँ और खासियत, जिसे आप ऑनलाइन परचेज कर लीजिए, आपको अच्छे खासे जो है उस पर मिल जाएंगी, किसी भी कार्ड वगैरह से करेंगे तो आपको MI फ्रेंडली MI मिल जाएंगी, MI पे लीजिए, अच्छा फ़ोन है। अब हम आपको इसकी दिखाते हैं वीडियो क्वालिटी। ओके, सो गाइज देखिए इसकी वीडियो क्वालिटी, देखिए ये वाला, ये मेरा फ़ोन है और ये फ़ोन है, दोनों की वीडियो क्वालिटी में कितना अंतर है, ये देखिए उसे जितना पॉसिबल हो रहा है गाइज मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए ये इसकी वीडियो क्वालिटी है, ये देखिए इतना अंतर है, देखा आपने। सो गाइज देखा आपने, इस मेरे हमसे जितने अच्छे से हो पाया इस फोन के बारे में मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब करके बता दिया। तो कैसा लगा आपको ये रेडमी 10 प्राइम, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो ज़रूर कीजिए प्लीज़। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज आपको इस फ़ोन का सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगा, प्लीज़ इस बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के दिखा, इसके लेंसेस, इसका कैमरा, इसकी जो स्टोरेज थी वो, या इसकी जो है बैटरी लाइफ, मतलब 6000 mAh की बैटरी, ये इनमें से क्या चीज़ आपको है कि जो इसकी खूबी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड प्लीज़ मेरे वीडियो के बारे में आपको जो लगे अप्रिशिएट करना हो या मेरी कमी हो, जो भी हो उसको प्लीज़ बताइए, प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइए कि मुझे और क्या कर सकती हूँ इनोवेटिव, प्लीज़। ओके, सो गाइस इसी के साथ अपना आज का ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाय।